हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल लाइफ इज दृशनी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइज। और गुड इवनिंग, क्योंकि अभी शाम हो चुका है और अभी टाइम 6 या 6:30 हो रहा होगा, क्योंकि मैं टाइम बहुत पहले देखी थी और हस्बैंड मेरे आ गए हैं। अभी मैं जा रही हूँ दूध गर्म करने। तो कभी कभी क्या होता है ना, बर्तन आप धोते हो दूध वाला ना, तो फिर से मतलब उसमें थोड़ा सा लगा रहता है। तो मैं भी कभी कभी जल्दी जल्दी में धोती हूँ ना, तो दूध वाले बर्तन में थोड़ा बहुत लग जाते हैं, लगे रहते हैं, अच्छे से छूटते नहीं हैं। इसलिए मैं दोबारा से जो दूध गर्म करती हूँ जिस भगोने में, उसे मैं दोबारा धोई हूँ ताकि दूध फटे नहीं, क्योंकि दूध ना बहुत जल्दी फट जाते हैं। तो अभी मैं दूध गर्म कर रही हूँ, चाय बनाऊँगी और हस्बैंड भी मेरे आ चुके हैं। तो अभी चाय पीने के बाद मैं डिनर की तैयारी करूँगी और आज डिनर में मैं फिश करी बनाने वाली हूँ। तो फिश लेकर आए हैं हस्बैंड। तो हम लोग थोड़ा नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, यानी कि और खाने वाला दिन रहता है ना तभी हम लोग खाते हैं। तो हम लोग हफ्ते में 3 बार खाते हैं और बता सकती हूँ, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 बार ही खाए, लेकिन 3 दिन है जो हम लोग नॉनवेज खाते हैं। सोमवार के दिन खाते हैं, बुधवार के दिन खाते हैं और शनिवार के दिन खाते हैं। तो मैं तो मायके में रहती हूँ, तो शुक्रवार के दिन भी मैं खा लेती हूँ, लेकिन क्या है ना, यहाँ पे नहीं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, तो मैं घर में बनाती ही नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, तो मैं मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। और क्योंकि मेरी सासू माँ शुक्रवार की व्रत करती थी संतोषी माँ का, तो काफ़ी मतलब बहुत साल तक वो की है, तो हम लोग खट्टा भी नहीं खाते। जैसे आप लोग को पता भी होगा, मैं कितने सारे ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि हम लोग शुक्रवार के दिन खट्टा नहीं खाते, टमाटर वाली सब्जियाँ नहीं खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड नहीं खाते तो मैं भी नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं मायके जाती हूँ तो खा लेती हूँ, क्योंकि वहाँ तो हमेशा शुक्रवार के दिन ही ज़्यादातर आता है नॉनवेज। और हम लोग मतलब सब्जी, हरी सब्जी है वो सब थोड़ा मतलब खाते हैं, लेकिन थोड़ा कम खाते हैं, नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं। नॉनवेज वाला दिन नहीं रहता है ना, तो फिर मन नहीं होता है क्या बनाओ क्या बनाओ, ऐसे सोचते रहते हैं। तो आज है मतलब सैटरडे, तो आज मतलब फिश लाए हैं मेरे हस्बैंड, तो अभी मैं वहीं बनाऊँगी। तो हमेशा फिश तो मेरे हस्बैंड धो देते हैं और कभी कभी ना फ्राई भी कर देते हैं। तो मतलब जब मेरा हाथ खाली नहीं रहता है, मैं कोई और काम करते रहती हूँ, तो इतना तो वो हेल्प कर देते हैं। और मेरे हस्बैंड भी ना बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं सच में, क्योंकि वो ना बहुत सालों से ना मुंबई में रहते हैं। अब पहले अकेले रहते थे, मेरी शादी का तो 4 साल हुई है, अप्रैल आएगी तो 5 साल हो जाएगी। तो पहले तो वो खाना खुद ही बनाकर खाते थे, और मेरी शादी के बाद भी, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो शादी करके मैं यहाँ पे आ गई थी 2 मंथ बाद, और मुंबई मतलब आ गई थी। और उसके बाद मेरी पढ़ाई चालू थी, मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मैं फर्स्ट ईयर में थी जब मेरी शादी हुई थी। तो उसके बाद मेरी एग्ज़ाम आए, तो मैं चली गई फिर मायके, वहाँ एग्ज़ाम दी। उसके बाद मैं मतलब बहुत कम रही हूँ, अभी मेरे बेबी हुई है, यानी कि मेरी दृशानी जब पैदा हुई, उसके बाद मैं यहाँ डायरेक्ट यहाँ मुंबई रहती हूँ, और 2 साल पे मैं गई थी मायके। तो मायके गए हुए भी मुझे 1 साल हो गया, और मेरी चाय भी बन गई आप लोग से बातें करते करते में। यहाँ पे अभी हम लोग चाय पी लेते हैं, उसके बाद हस्बैंड को लेके जाएंगे, बोलेंगे चलो फीस धोइए, क्योंकि वहीं धोते हैं। पता नहीं, मैं ये सब नहीं धोती हूँ, मेरे हाथ में ना उसके कांटे गड़ते हैं, तो मेरे हस्बैंड ही धो देते हैं। कोई कोई चीज़ों से ना मुझे एलर्जी भी है, जैसे कि भिंडी भी मैं नहीं धो पाती हूँ अच्छे से, उसके रोआ लगता है ना, तो मेरे हाथ में खुजली होने लगते हैं। तो अभी आप देख रहे हो तो मेरे हस्बैंड ही धो रहे हैं। और हाँ, ये बर्फ़ वाला मछली है, और हम लोग ना रोहू फिश खाते हैं, तो मतलब ज़्यादा यही खाते हैं और कोई फिश नहीं खाते हैं। मैं गाँव जाती हूँ ना, तो बहुत अच्छे अच्छे फिश वहाँ मिलते हैं, तो वहाँ के फिश खाते हैं, और यहाँ पर ना मैं सिर्फ़ एक रोहू फिश खाते हैं। और जब भी आप बर्फ़ वाला मछली अगर आप धोते हो ना, तो थोड़ा सा नमक डाल के साफ़ करना, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, तो मैं हमेशा नमक डाल के ही साफ़ करती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड धो के रख दिए हैं, और अभी इसमें मैं नमक डालूँगी और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी, और उसके बाद इसको मिला देना है, और मिलाने के बाद तुरंत ही इसे फ्राई कर लेना है। क्योंकि अगर आप इसे छोड़ोगे ना, तो क्योंकि इसमें नमक डालने के बाद ना पानी छूट जाता है, नमक तो हर चीज़ में डालोगे तो पानी छूट ही जाता है, तो मिलाने के बाद तुरंत ही फ्राई कर लेना है। हे गाइस, अभी बन रहा है मेरा फिश करी, तो अभी फिश फ्राई हो रहा है, और अभी मैं मसाला जा रही हूँ इसका पीसने के लिए। तो यहाँ पे मसाले में क्या क्या ली हूँ, जैसे कि इसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं बता रही हूँ। यहाँ पे ली हूँ सरसों
और उसके बाद काली मिर्च और धनिया ली हूँ और ढेर सारा मैं लहसुन ली हूँ, देख सकते हो। और इसको मैं पीस लूंगी। उसके बाद इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी और हल्दी पाउडर ऐड करूंगी और नमक डालूंगी, बाकी इतना ही मसाला डालना है इसमें। तो मैं पीला वाला गांव वाला सरसों यूज करती हूँ, मेरे पास पीला वाला सरसों है। आप लोगों के पास नहीं होगा तो ब्लैक वाला जो मस्टर्ड सीड्स आते हैं ना वो आप डाल सकते हो, लेकिन अब थोड़ा सा लेना क्योंकि ज्यादा डालने पे ना मतलब कड़वा लगने लगता है, तो थोड़ा ही लेना है। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, पीस लेती हूँ मसाले। तो गाइस सारे मेरे फिश फ्राई हो चुके हैं और जो फिश मैं फ्राई की थी उसी तेल में मैं बना रही हूँ मसाले, यहाँ पे मतलब भुनूंगी। तो थोड़ा सा मैं मेथी के दाने डाली हूँ, यानी मेथी का तड़का लगाई हूँ। उसके बाद इसमें जो मसाले में पीस के रखे उसे मैं ऐड कर दी हूँ। और मसाला जब मैं पीसी थी ना उसमें मैं एक टमाटर भी पीस ली थी, तो टमाटर का पेस्ट एक मैं डाली हूँ ताकि ग्रेवी थोड़ा थीक हो। और उसके बाद इसमें मैं रेड चिली पाउडर डाली हूँ, उसके बाद हल्दी पाउडर डाल दी हूँ और नमक डाल दी हूँ। बाकी सारे मसाले तो जो डालता है फिश में तो मैं डाल चुकी हूँ। और इसे मैं 5 से 6 मिनट तक भूनूंगी मसाले को मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ देख रहे हो तो बहुत अच्छे से फिश फ्राई हो गया है। और ये जो फिश मैं फ्राई की हूँ थोड़ा कड़क की हूँ खाने के लिए, तो हम लोग फ्राई वाला फिश भी खाते हैं। और ये सब फिश है जो मैं बनाऊँगी, फिश कड़ी में डालूँगी। तो देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और देखिए 3 से 4 मिनट तक मैं मसाले को भून ली हूँ, लेकिन और उसके बाद इसमें मैं टमाटर ऐड कर दी हूँ। तो एक टमाटर मैं पहले पीसी थी और उसके बाद एक टमाटर इसमें मैं बड़ा बड़ा स्लाइस में काट के मैं डाल दी हूँ। और उसके बाद मतलब मीडियम फ्लेम पे ही इसे मैं मसाले को और भी मैं भूनूंगी 3 से 4 मिनट तक। तो देखिए अभी मसाले भुनने के बाद मसाले बहुत कम हो गए हैं तो सॉर्ट हो जाते हैं। तो मसाले बहुत अच्छे से भुना गए थे, तेल सारे मसाले से छोड़ दिए थे। उसके बाद इसमें मैं पानी ऐड कर दी हूँ, तो जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें मैं फिश ऐड कर दूँगी। तो जब ये बॉयल हो जाएगा उबाल आ जाएगा इसमें, तो मैं फिश ऐड कर दूँगी। तो देखिए बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है, इसमें मैं फिश सारे ऐड कर दूंगी और मात्र 2 मिनट तक पकाना है। और उसके बाद इसमें मैं धनिया पत्ता ऐड कर दूंगी और ये फिश करी बनके रेडी हो चुका है। और फिश को ढक के नहीं पकाया जाता है, ऐसे ही खुला ही मैं पकाऊंगी बिना ढक के। तो मेरा डिनर बनके भी रेडी हो चुका है, तभी हम लोग डिनर करेंगे। हे गाइस, अभी हम लोग डिनर कर लिए और अभी जा रहे हैं सोने। तो कल है संडे, कल कहीं नहीं जाने वाले हैं क्योंकि कल आराम करेंगे, है ना रिशानी? कल मस्ती करेंगे ना घर पे। और अभी मैं दूध गर्म कर रही हूँ। रिशानी सोएगी? कहाँ सोएगी? सोएगी सोएगी चलो सोने, चलो सोने चलो। लैंग्वेज एकदम अलग है। बस करो बेटा बस करो। तो गाइस चलिए मिलते हैं मॉर्निंग में, और अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुलू नाइट। इसको याद आता है गुलू नाइट पढ़ती है। और गाइज हम लोग मॉर्निंग का चाय पता है कितने बजे ले रहे हैं? 10 बज चुके हैं। ए गुलू नाइट चल बैठ। हो गया बेटा, कितना बार बोलती है मॉर्निंग का चाय मतलब 10 बजे ले रहे हैं, सच में हो गया ना बेटा? इतना लेट कभी नहीं होता है। और आज हम लोग सोचे थे कि जल्दी उठेंगे ना तो थोड़ा सा जाएंगे टहलने के लिए, और मॉर्निंग में जाते हैं ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज तो हम लोग उठे नहीं। कि तो मेरी आदत नहीं है मॉर्निंग में उठने का, हमेशा मेरे हस्बैंड उठाते हैं। आज ये उठाया है 8:45 हो रहा था। उठो उठो पानी भरना है, 8 बजे पानी आता है संडे के दिन। तो मैं उठी तो 9 बजे तो चला भी जाता है, तो आज थोड़ा देर तक था
इसलिए भरा गया है पानी, नहीं तो आज तो हम लोग पता नहीं थोड़ा बहुत ही भरने को मिलता। तो अभी चाय, अभी तो गर्म पानी थोड़ा सा पियेंगे, और अभी मैं हम लोग यहाँ पे चाय रखे हुए हैं, चाय पियेंगे। मामा पानी पानी चाहिए। और पता नहीं अभी हम लोग क्या खाने वाले हैं ब्रेकफास्ट में, क्योंकि रात ना बहुत ज्यादा लेट खाए थे तभी भूख भी नहीं है, और रात का फिश करी है तो हस्बैंड तो रात का फिश करी खाएंगे, और देखती हूँ लंच में मैं क्या बनाऊंगी। अभी मुझे जाना पड़ेगा मार्केट कुछ सब्जी के लिए भी, तो मैं जलती हूँ, फटाफट अपना काम खत्म करती हूँ, उसके बाद जाऊंगी मार्केट, उसके बाद मिलते हैं दोपहर के टाइम में आप लोगों से। हे गाइज, गुड इवनिंग, और अभी शाम हो गया है 6:30 हो गया, और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, तो जा रहे हैं सब्जी लेने, और मुझे गेहूं भी देना है पीसने के लिए। तो हम लोग मतलब पैकेट वाला आटा नहीं खाते हैं, गेहूं पिसवा कर खाते हैं, तो मैं डीमार्ट से लाती हूँ ना, आप लोग के साथ तो मैं सेट की थी, तो डीमार्ट से मैं गेहूं लेकर आती हूँ। अभी भी इसको ना हैप्पी सरस्वती पूजा ही याद आता है ना दिशानी। तो गाइस चलिए चलते हैं मार्केट और सब्जियां लेकर आती हूँ, फिर उसके बाद डिनर की तैयारी करूंगी, क्या बनाएंगे क्या नहीं सोचना पड़ता है ना, हम लेडीज को हमेशा प्रॉब्लम होता है खाना बनाने का, हमेशा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए आते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। निशानी मार्केट जा रही हो, गुड गर्ल है ना निशानी। हाँ निशानी मेरी गुड गर्ल है, पैदल जा रही है। हाँ ठीक है, आगे देख के चलिए, आगे देख के, बाय बाय। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ मार्केट से, और यहाँ सब्जी में लेकर आई हूँ, बैंगन लाई हूँ, मटर लाई हूँ, एक पाव लाई हूँ मटर, और एक पाव में भिंडी लाई हूँ यानी कि 250 ग्राम, और धनिया पत्ता है थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ कटहल। काफी टाइम से मैं ढूंढ रही थी कि अच्छा कटहल दिखेगा ना तो लेकर आऊंगी, तो देखिए फिर भी ठीक ठाक है, बट ये ना ताजा है, अभी ताजा इसलिए मैं दिखाती हूँ, दूध निकल रहा है अभी भी, तो इसलिए मैं लेकर आ गई। तो गाइस चलिए मैं डिनर बनाने की तैयारी करती हूँ और चलती हूँ, आज मैं जा रही हूँ सिंपल सा राइस बनाने, सारी सब्जियां मिक्स करके, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। पहले तो मैं चाय बनाकर चाय पीऊंगी, उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करती हूँ, 8 बजने वाला है, चलिए मैं फटाफट डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैं कुछ तो सब्जियाँ काट के रख ली हूँ, उसके बाद मेरे चाय भी बन गए, तो अभी मैं जाती हूँ चाय पीती हूँ, और उधर मेरे हस्बैंड कुछ काम कर रहे हैं, तो उनको कुछ पेपर ऊपर की ज़रूरत है, वही ढूंढ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं।
तो देखिए यहाँ बैठे हुए हैं अभी मैं, मेरी दिलशानी मेरा वीडियो देख रही है। तो अपने पापा के मोबाइल में ना कभी कभी मेरा वीडियो देखते हैं, उसको इतना देखना पसंद है ना, खुद का वीडियो खुद ही देखती है वो। देख रहे हो आप, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो आ गई मेरे पास बैठ के देखने के लिए। और अभी हम लोग चाय पी लेते हैं, हस्बैंड को कुछ काम है तो वो कर रहे हैं अपना काम। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अब डिनर की तैयारी करने। तो मैं सिंपल सा राइस बनाने वाली हूँ सारी सब्जियों को मिक्स करके, आप इसे पुलाव भी बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी सोयाबीन। तो सोयाबीन पहले मैं मतलब गर्म पानी में धो के उसको मैं निचोड़ के रख ली हूँ, उसके बाद इसमें मैं फ्राई कर रही हूँ तेल में, और कुकर में भी मैं बनाऊँगी और फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं निकाल लूँगी। तो बाकी के जो सब्जियाँ हैं वो मैं फ्राई करूँगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा राइस है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आज मुझे बिल्कुल भी मूड नहीं था मैं कुछ मतलब ऐसा वैसा खाना बनाऊँ, तो इसलिए मैं सिंपल सा सोची हूँ कि आज मैं राइस बना लेती हूँ और उसके बाद मैं खा लूँगी। तो आप इसे पुलाव भी बोल सकते हैं। तो मैं तेल थोड़ा सा डाली हूँ, इसमें मैं घी ऐड करने वाली हूँ, उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाली हूँ, दो हरी इलायची डाली हूँ मैं छोटी वाली इलायची, उसके बाद जीरा का तड़का लगाई हूँ और उसके बाद प्याज ऐड कर दी हूँ। प्याज को ज़्यादा भुनना नहीं है, एक मिनट सिर्फ थोड़ा सा भुनना है। उसके बाद इसमें मैं आलू ऐड कर दी हूँ, आलू को भी ज़्यादा भुनना नहीं, बस थोड़ा सा इसका कच्चापन निकल जाए इतना आपको भुनना है। और इसमें मैं दो बड़े चम्मच में घी ऐड की हूँ, इसलिए मैं तेल थोड़ा कम डाली थी। अब मैं इसमें मटर ऐड कर दूंगी। तो ज़्यादा भी सब्जियों को भुनना नहीं है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि कुकर में बना रहे, बस इसका कच्चापन थोड़ा निकल जाना चाहिए, 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। और उसके बाद इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद सारे मसाले एक साथ ही डाल देंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ मसाले ऐड नहीं करने हैं, जो रेगुलर की सब्जियों में आप मसाले डालते हैं ना वही डालना है। लेकिन गाइज खाने में बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना क्योंकि बहुत सिंपल सा राइस है लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। कभी मन ना हो ना कुछ खाने का तो एक बार मतलब आप लोग एक बार ये बना के ज़रूर खाना। तो मैं थोड़ा सा भून ली हूँ 1 मिनट, उसके बाद इसमें मैं नमक ऐड कर दी हूँ, उसके बाद सारे मसाले ऐड कर दूँगी, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और बाकी कोई मसाले ऐड नहीं करना। चाहे तो आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर सकते हो, मैं भूल गई थी गरम मसाला पाउडर ऐड करना, मैं बहुत जल्दी जल्दी में बनाई थी तो मुझे लग रहा था कि कुछ तो मिस्टेक हुआ है, लेकिन मैं इसमें खड़े गरम मसाले डाले थे ना, तो जिसके वजह से मतलब नहीं लग रहा था कि मैं इसमें गरम मसाला ऐड नहीं की हूँ। अब इसमें मैं सोयाबीन डाल दी हूँ, तो सोयाबीन के साथ में मसाले को 2 मिनट तक पका लूँगी। तो ज़्यादा भी मसाले आपको भुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कुकर में बना रहे हैं ना, तो कुकर में प्रेशर कुकर में बनाते हैं ना, तो हर चीज़ बहुत अच्छे से मतलब बन जाता है, और क्योंकि इसकी जो भाप होती है वो बाहर नहीं निकलती है, तो सारे फ्लेवर जो होते हैं ना अंदर ही रहते हैं, तो ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद मैं यहाँ पे बासमती चावल ली हूँ, आप कोई भी चावल ले सकते हो। तो उसके बाद मैं चावल को धो के और तुरंत मैं डाल दी हूँ, आपको पहले से चावल को धो के रखने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आप धोइए उसके बाद डाल दीजिए। और चावल को मैं 1 मिनट तक भून लूँगी, थोड़ा सा फ्लेम को ना गैस की फ्लेम को हाई कर देना है ताकि थोड़ा चावल भी फ्राई हो जाए, तो ज़्यादा भी आपको फ्राई नहीं करना है, 1 मिनट तक आपको चलाते हुए इसे भून लेना है। उसके बाद इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी, तो पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना चावल डाले हैं उसके हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं, और इसे अच्छे से मिला देना है और इसे 2 सीटी लगाना है। तो 2 सीटी आप हाई फ्लेम पे लगाओ, और मीडियम फ्लेम पे लगा रहे हो तो 1 ही सीटी आपको लगाना, नहीं तो चावल आपका गीला हो जाएगा। और उसके बाद इसमें मैं हरी मिर्च 3 डाली हूँ क्योंकि मुझे तीखा थोड़ा ज़्यादा पसंद है, और उसके बाद मैं धनिया पत्ता डाल दी हूँ, ढेर सारे धनिया पत्ता डाली हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर लेना, मैं भूल गई थी डालना। उसके बाद मैं 2 सीटी लगा दी हूँ,
उसके बाद मैं गैस को बंद कर दी थी और पूरे गैस निकल गए थे। उसके बाद मैं कुकर की ढक्कन खोली हूँ तो आप देख रहे हो कितने अच्छे खिले खिले चावल बने हैं। तो इसे थोड़ा चला देना, नहीं तो क्या होगा ना, नीचे का गीला हो जाएगा, ऊपर का कच्चा रह जाएगा। मतलब एक साइड का गीला हो जाता है, एक साइड का कच्चा रह जाता है। तो इसे खोल के चला दी, उसके बाद थोड़ा सा मैं धनिया पत्ता डाली हूँ और उसके बाद फिर से मैं बंद कर दूँगी। 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद फिर मैं खोलूँगी, उसके बाद मैं डिनर करूँगी। तो देखिए ये मेरे राइस बन के बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है और बहुत ही यम्मी राइस बना था गाइज। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और अभी हम लोग डिनर करेंगे और मैं अपने हस्बैंड के लिए अंडा बॉयल की थी तो अंडा के साथ खाएंगे, मैं ऐसे ही खाऊंगी। तो गाइज इस राइस को ना आप दही या रायता के साथ भी खाओ, बहुत ही टेस्टी लगता है। चाहे तो आप चटनी के साथ खा सकते हो। तो मैं तो चटनी कुछ भी नहीं बनाई थी, बहुत लेट हो चुका था तो मैं ऐसे ही खा ली हूँ अंडा। और अब मैं हस्बैंड के लिए अंडा बॉयल कर दी थी तो अंडा के साथ खा लिए हैं। और अभी मैं डिनर करके, अब देख रहे हो तो हम लोग की मस्ती चालू है। डिनर कर लिए और जा रहे सोने। 10:30 हो चुका है अभी। कल मॉर्निंग में जल्दी उठना है ना दिशानी? दिशानी जल्दी उठेगी ना? दिशानी तो बहुत ज्यादा बदमाशी करती है। दिशानी को तो खाना खाने से ना आत्मा रोता है, आत्मा। और सिर्फ ना आप दूध का नाम ले लीजिए दिशानी, थोड़ा सा दूध पी लो। माय गॉड, इसका तो हाल और बेहाल हो जाता। बोलती नहीं, ठंडा दूध को भी बोलती दूध गर्म है। बेटा मुंह बंद करो, मुंह बंद करो नहीं तो नाक तुम्हारा ना चिमटा से दाब देंगे। दाब देगा मम्मा तुम्हारा नाक, चिमटा से दाब देगा। एक बार इसी तरह ना टेडी बेयर से खेलते खेलते ना ये आप फाड़ देती टेडी बेयर को, ये वाला रेड वाला को, थोड़ा सा व्हाइट दिखता था तो मैं उस दिन सिल दी इसको। यहाँ पे फट गया था, यहाँ पे मैं सिलाई लगाई हूँ। चलो बहुत हो गया मस्ती, चलते सोते। गल गया क्या? चम्मच डाला हुआ है। ये दिशानी मांगी थी ना उस दिन खाने के लिए, इसलिए हम चम्मच लगाए थे। सो गाइस जाते हैं सोते हैं, और क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। और इस ब्लॉग में यही प्लान करती हूँ। 2 दिन से सैटरडे के दिन शाम को मैं स्टार्ट की थी और अभी मैं संडे के दिन इसको एंड कर रही हूँ। तो चलिए गाइज मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन बटन होता है उसे भी क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।